उसमें हमने टेलर्स प्रिंसिपल स्टडी किया, उसमें उन्होंने फोर प्रिंसिपल दिए थे और उसी फोर प्रिंसिपल के अंडर में उन्होंने क्या की थी, अपनी बुक पब्लिश की थी। वो हमारा था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मतलब जो भी टास्क हमें करवाना है वेल डिफाइंड होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर में कोऑपरेशन होना चाहिए, और थंब रूल हटा करके उसकी जगह पे साइंटिफिक थ्योरीज लगानी है, और मतलब एक दूसरे का मैनेजमेंट और वो दोनों लोग यूज करें, और साथ के साथ बेस्ट इफिशियंसी के लिए हर पर्सन जो है बेस्ट इफिशियंसी के लिए काम करे, उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। आज का जो है हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल है, और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का मतलब इसमें आप देखोगे तो आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी कम इन्वॉल्व होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था ये जनरल मैनेजमेंट जो होता है उसके लिए इन्होंने दिया था। और इन्होंने भी 1915-1915 के आसपास ही इनकी भी थ्योरी आई थी। और ये जो है इंजीनियर नहीं थे बल्कि एक मैनेजमेंट पर्सन थे, इनका जो है मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे, इन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए थे। तो आज हम हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल थे उनको हम करेंगे, और इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो ये सारा क्या है, हमारा जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मैन टू मैन पर्सनली जो है सबके साथ डील कर रहे हो, तो इसको साइंटिफिकली बेस्ट बनाने की कोशिश की गई है। इसमें जो है ऐसी चीजें नहीं है कि आप मैनेजर हो तो आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है केवल वन पर्सन या कंपनी की ग्रोथ हो या एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, ऐसा नहीं देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आपके एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो, कंपनी का बेनिफिट भी हो, और साथ के साथ सोशल बेनिफिट भी हो। केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें मैनेजमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए। तो हेनरी फेयोल्स ने 14 प्रिंसिपल दिए थे कि अगर आपको अपना मैनेजमेंट सही रखना है, सिंपल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, लोग आपकी बात सुने, जो आप कहो माने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर 6 का टारगेट होगा ये होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो है हेनरी फेयोल ने ही दिया था, वही 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल पढ़ेंगे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात नहीं करनी है। जो पीछे हमने किया था टेलर्स प्रिंसिपल में वो हमारा क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट था। वो मैनेजमेंट अप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, काम करा के देखते हैं, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सारे स्टडी करते हैं, और जो साइंटिफिक डेटा आता है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो पीछे का हमारा प्रिंसिपल था वो इस पे था कि रिसर्च करो फिर अप्लाई करो। अब ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आती है कि आपके कंपनी में मैनेजमेंट सही से कैसे रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, और इन्हीं के बारे में, इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। कुछ तो हैं जिनको आपके नेम से क्लियर हो जाएगा, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, किसी को काम दिया किसी को नहीं दिया तब भी क्या होगा, आपस में डिस्कशन होने लगेगा कि इस पर्सन को ज्यादा वर्क मिल गया और उसके करेस्पॉन्डिंग जो दूसरा हमारा पर्सन है उसको आपको वर्क नहीं मिला। तो ये ध्यान रखना है कि डिवीजन ऑफ वर्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल आता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके साथ साथ उसको उतनी अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अगर उसके पास पावर नहीं होगी तो अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको फॉलो नहीं करा पाएगा। कभी कभी हमको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत पड़ती है, और अगर अथॉरिटी नहीं है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना कठिन काम हो जाता है। तो इसका मतलब जिस पर्सन को जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी दो
उसी के प्रोपोर्शन में, इसका मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी के प्रोपोर्शनल में देना है, साथ के साथ पावर भी देनी है। ऐसा नहीं है कि करने का पावर कुछ मत दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी देते चले जाओ, तब भी क्या होगा, सही से आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसके साथ नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका आएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होता है और एक फोर्स डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब किसी को कहना नहीं है, खुद ही पर्सन क्या कर रहा है। तो आपको कंपनी में ऐसे मोटिवेट करना है कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, उसको फोर्स करने के लिए ना तो कहीं सिक्योरिटी लगानी पड़े, ना उसके लिए कोई, जैसे कंपनीज होती हैं तो वहां पे क्या काम होता है, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स लगाते हैं। तो आप काम कर रहे होंगे, सेफ्टी इंस्पेक्टर आएगा तो आपके ऊपर जैसे ट्रैफिक पुलिस फाइन लगाती है, वैसे ही कंपनी के अंदर में अगर आप सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो सेफ्टी इंस्पेक्टर होगा वो आपके ऊपर फाइन लगा देगा। तो उसके लिए इस तरह से आपको डिसिप्लिन करना है कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन इज प्रिफर्ड ओवर फोर्स डिसिप्लिन। तो फोर्स डिसिप्लिन जब लोग नहीं फॉलो करेंगे तो फोर्स डिसिप्लिन लगानी पड़ती है, लेकिन वो प्रिफर्ड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कोई एक ऑर्डर एक डायरेक्शन में रिलीज हुआ कि आपको ये काम करना है, तो उसके जो सबॉर्डिनेट ऑर्डर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए सारा का सारा सिस्टम एक ही टाइप की कमांड्स को फॉलो करे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कहा, दूसरी एक एक वर्कर है उसके ऊपर अगर आपने दो मैनेजर लगा दिए, तो क्या करेगा, ये मैनेजर कहेगा दूसरा काम करो, अगर ये नहीं करोगे तो हम पनिशमेंट देंगे, और ये मैनेजर कहेगा कि दूसरा काम करो। अगर दोनों मैनेजर अपना अलग अलग काम देने लगे, जो वर्कर होगा वो कंफ्यूज होगा और वो प्रॉपरली, हमारा कंफ्यूज हुआ तो वो क्या करेगा, या तो गलती करेगा, या तो अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं तो केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा, दूसरी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कमांड जो है एक ही पर्सन से मिलनी चाहिए, मल्टीपल पर्सन से अगर आपको कमांड मिल रही है तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा और लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि मैनेजमेंट एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोज हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अगर इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो सारे के सारे अदर जो सपोर्टिंग लोग होंगे वो सारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करेंगे, डायरेक्शन में काम करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो सभी लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। अगर आपको प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है कि प्रॉफिट हमारी कम होगी तो चलेगा, जैसे इस टाइम पे आपका कोरोना पेंडेमिक है तो इस टाइम पे जैसे सैनिटाइजर अगर आपको प्रोड्यूस करना है या कोई पीपीई किट प्रोड्यूस करना है तो उस टाइम पे हमको मास प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमारा डायरेक्शन हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट से कम लेना देना है, तो आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो सारे लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे वर्क करेंगे। इसका मतलब सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स है वो आपकी एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, अगर वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी तो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है, वो आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो लोग काम कर रहे होंगे, इसमें इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट जिसको हम कह सकते हैं, तो बेनिफिट किसकी किसकी हो सकती है, दो चीजें हैं यहां पे, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बेनिफिट दो तरह के लोगों की हो सकती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट होगी
और या आप किसी की पर्सनल बेनिफिट होगी। पर्सनल बेनिफिट का मतलब मैनेजर की बेनिफिट या एम्प्लॉय की बेनिफिट या कोई वर्कर है उसकी बेनिफिट। तो ये जो सिक्स्थ रूल कहता है कि जो पर्सनल मतलब इंडिविजुअल खुद के जो इंटरेस्ट हैं मतलब जो बेनिफिट है उसको आपको क्या करना है, सेकेंडरी रखना है। सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दो चीजें हैं, एक से ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है और दूसरी चीज है जिससे आपका खुद का फायदा हो रहा है, तो आपको पहले नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना है। इसका मतलब पर्सनल इंटरेस्ट बाद में, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले रखना है। तो इसका मतलब अगर प्रॉपरली आपको मैनेज करना है तो लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा सबॉर्डिनेशन में कर सकें, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेवेंथ जो प्रिंसिपल आएगा, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब है कोई भी काम अगर कोई पर्सन कर रहा है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देनी चाहिए। वो मनी के टर्म्स में हो सकती है और वो कंफर्ट के टर्म्स में हो सकती है, कुछ इंसेंटिव हो सकता है, कंफर्ट के टर्म्स में हो सकती है। इसके अलावा पैसे के साथ साथ आप लोग देखते हैं कुछ सुविधाएं मिलती है, फैसिलिटीज, फैसिलिटी के टर्म में हो सकता है। अगर कोई अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है सबॉर्डिनेट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट को उसने सप्रेस कर दिया, उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो उसकी अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कोई अपना सप्रेस कर रहा है तो उसको रिम्यूनरेशन मतलब उसका रिवार्ड मिलना जरूरी है। तो ये भी क्या है, हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप देखोगे तो ये किस चीज के लिए है, प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हो। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप कहो, वर्कर आपकी बात सुने और सारे लोग आपको सपोर्ट करें। यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जैसे हमने साइंटिफिक वाले में, टेलर्स वाले प्रिंसिपल में किया था, यहाँ पे साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स का यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को बेस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो पहला था हमारा वो क्या था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक था उसने उसको टेलर्स ने दिया था, और इन्होंने फेयोल्स ने क्या किया, ये 14 प्रिंसिपल दिए थे ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनाने के लिए। इसके बाद है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कोई भी डिसीजन, प्रोडक्शन का डिसीजन हो गया या कोई फैसिलिटी नई लाने का डिसीजन हो गया या कोई छोटा सा छोटा काम भी हुआ, तो उसका डिसीजन दो तरह से हो सकता है। एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स उसका डिसीजन करने में उनको इतनी पावर दीजिए कि वो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स खुद डिसीजन ले सकें। एक तो लोकल, इसको हम कहते हैं कि लोकल सोल्यूशन, जहां पे प्रॉब्लम हुई वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ही उसका सोल्यूशन दे दिया, तो इसको हम लोकल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर सारी की सारी प्रॉब्लम मैनेजमेंट के पास जाने लगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाने लगी, इसका मतलब क्या हो गया, सारा का सारा डिसीजन जो कंपनी की सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है वो कर रहा है, तो ये क्या होगा, सारा डिसीजन फिर आपका सेंट्रल से आ रहा है। इसका मतलब एक ही पर्सन सारा डिसीजन ले रहा है, बाकी सारे लोग केवल कहने के लिए रखे हुए हैं, डिसीजन केवल एक ही करेगा। तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपको सेंट्रलाइजेशन उतना ही रखना है कि जितने से आपका प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं करना है कि सारा डिसीजन हम ही करेंगे, बाकी लोग डिसीजन नहीं कर सकते। तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपको कम से कम रखने की कोशिश करनी है। जो मेजर डिसीजंस हो उनको जो है सेंट्रल लेवल पे ले जाओ, बाकी जो लोकल डिसीजंस हैं उन जो वहां पे लोकल अथॉरिटी है या जो वहां पे लोकली काम कर रहा है उसको भी इतनी अथॉरिटी दीजिए कि वो खुद डिसीजन ले सके। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन कम से कम रखना चाहिए, नहीं तो सारी की सारी प्रॉब्लम क्या होंगी, सीधे मैनेजमेंट के पास आएंगी और वो हैंडल भी नहीं कर पाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा भी नहीं है।
इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर चेन। ठीक है, तो जो स्केलर चेन है, स्केलर चेन का मतलब होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक प्रॉपर ट्री होना चाहिए कि यहां पे आपके ओनर हैं, ओनर के नीचे तीन अलग अलग मैनेजर हैं, तीन अलग अलग मैनेजर हैं, मैनेजर के अंदर में अलग मैनेजर्स हैं। तो इस तरह से प्रॉपरली वेल डिफाइंड आपका ट्री होना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन आएगी, यहां से इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले इनके पास, फिर ये इन्फॉर्मेशन पास होगी यहां से, अगर यहां से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो इनके पास जाएगी, फिर इनके पास आएगी, फिर इनके, ये क्या है, डाउन टू अप। अगर इन्फॉर्मेशन ऊपर से पास होनी है तो यहां पे आएगी, फिर यहां पे आएगी, जिसको जाना है केवल उसी को जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन इनिशिएट तो यहां से हुई और मैनेजमेंट के पास पहुंच गई यहां से, इसका मतलब यहां से इसको जाना था, यहां से जाने के बजाय ये इन्फॉर्मेशन यहां से, इसको बोला जाता है हायरार्कियल ऑर्डर आपका फॉलो नहीं हुआ, यहां से इंफॉर्मेशन सीधे इसके पास पहुंच गई, तो स्केलर चेन आपकी वैनिश हो गई। इसका मतलब तब आपकी स्केलर चेन वहां पे फॉलो नहीं हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होनी चाहिए। स्केलर चेन मतलब प्रॉपर पाथ होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, और कोई भी इन्फॉर्मेशन पाथ ब्रेक करके कहीं पे ना जा पाए। तो ये क्या है, हमारी स्केलर चेन है, प्रॉपर चेन होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, कोई भी वर्क है वो उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि पहला ये टास्क है, दूसरा ये टास्क है, तीसरा ये टास्क है, प्रॉपरली थिंग्स ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब जो भी काम है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड वेल डिसाइडेड होना चाहिए, सारी चीजें ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब सेम लेवल पे अगर फोर पर्सन हैं, फोर पर्सन वर्किंग एट सेम लेवल, तो क्या होगा, सेम पर्सन अगर, तो उनकी जो है उनको इक्वल वैल्यू देनी है। इक्विटी का मतलब है कि सारे पर्सन हमारे लिए क्या है, इक्वल है। ये मैनेजर भी हमारे लिए भी सेम है, ये मैनेजर भी हमारे लिए सेम है, ये टीचर हमारे लिए सेम है तो दूसरा टीचर हमारे लिए सेम है, स्टूडेंट हमारे लिए सेम है तो स्टूडेंट हमारे लिए सेम। इसका मतलब सेम लेवल पे जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल रखना पड़ेगा। अगर उनको आप अलग अलग प्रिफरेंसेस देंगे तो क्या होगा, इससे हमारा हायरार्कियल ऑर्डर जो है ब्रेक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी आपको रखनी है, सारे लोग इक्वल वैल्यू के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब किसी पर्सन को आप रिक्रूट करते हो तो आप रिक्रूटमेंट के टाइम पे उसको चाहे जितना टफनेस प्रोवाइड कर दीजिए। आप उसके तीन जगह पे इंटरव्यू लीजिए, तीन जगह पे टेस्ट लीजिए, उसको इतना ग्रिल करिए कि आपको पहले रिक्रूटमेंट करने के पहले ही पता हो जाए कि उस पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या उसकी डिमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स उसकी पता हो जाए। जब आपने उसको ज्वाइन करा लिया, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी ने अगर ज्वाइन कर ली तो उसको छोड़ने नहीं देना है। इसका मतलब जो टेन्योर है उसका क्या होना चाहिए,
स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कोई मैनेजर है, कल के दिन कोई और मैनेजर हो गया। चेंज इसका मतलब क्या हो गया, जो इम्प्लॉयमेंट ऑर्डर है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे आप चाहे जितना उसको टेस्ट कर लो, लेकिन जब वो ज्वाइन कर लिया है उसके बाद जो है उसकी टेस्टिंग करके या ये काम नहीं कर रहा है इस तरह से निगेटिविटी फैला के उसको रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरे पर्सन को लाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब जो पर्सन आ रहा है उसका टेन्योर फिक्स है। जैसे अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 5 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना है, तब वो ढंग से काम कर पाएगा। अगर पता चला आज प्राइम मिनिस्टर कोई और है, नेक्स्ट डे कोई और है, तो सारे कंट्री के लिए क्या होगा, नुकसान करेगा। सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने की जो अथॉरिटी है वो आप वर्कर को भी लेने की अथॉरिटी दीजिए, मैनेजर्स को भी दीजिए और मैनेजमेंट को भी दीजिए। इसका मतलब जहां पे प्रॉब्लम इनिशिएट होती है लोगों को ऐसे ट्रेन करना है कि उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए जिस लेवल पे शुरू हुई वहीं से लोग एक्टिवेट हो जाएं। इसका मतलब प्रॉब्लम के अगेंस्ट में और कोई नई चीज आ रही है तो उसके सपोर्ट में लोग तुरंत इनिशिएटिव लें। और इनिशिएटिव लें तो ऐसा नहीं कि किसी ने इनिशिएटिव ले लिया तो आगे ऊपर लेवल पे जा रहे हैं तो आपने गलत कर दिया। तो इस तरह की अथॉरिटी सबको देनी है कि हर पर्सन अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले सके, तो इनिशिएटिव लेने की पावर देनी चाहिए। इसके बाद लास्ट 14th प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उसकी स्पिरिट डेवलप करनी है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, इंट्यूशन से आना चाहिए आपको कि ये काम अच्छा है ये काम खराब है। खुद से मोरल वैल्यूज डेवलप करनी चाहिए। इसका मतलब जो मैनेजर है उसकी भी मोरल वैल्यूज हो और जो वर्कर है उसकी भी मोरल वैल्यूज है, तो दोनों की मोरल वैल्यूज अगर डेवलप होंगी तो मैनेजर कभी भी वर्कर का जो है इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेगा, उसका सपोर्ट करेगा, और जो वर्कर है वो मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब स्पिरिट डेवलप करनी है। तो ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे। इन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या किया है आगे उन्होंने, जो उनकी खुद की लैंग्वेज जो थी उनकी खुद की लैंग्वेज में आगे इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को डाला है मैंने। तो पहला जो प्रिंसिपल था वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब क्या है, अब केवल आपको क्या करना है, जो हेनरी फेवल का वर्ड था जो उन्होंने कहा था हेनरी फेवल ने, उन्हीं के वर्ड्स को डायरेक्ट यहां पे लिखा गया है। तो क्या है, उसी को अगर हम यहां पे थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें तो ये डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है, इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरिया में लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे हैव डिफरेंट स्किल, अलग अलग स्किल होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द नॉलेज एरियाज। मतलब अलग अलग एरियाज से उनको क्या करना है, डिस्टिंग्विश कर लेना है और जनरल से लेकर के स्पेशलिस्ट तक होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लेना है और इसको सपोर्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना है, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, वर्कफोर्स की इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ेगी। तो लोगों को स्पेशलाइज करके उनको क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क उनकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे आपको क्या देना है, प्रोवाइड करना है। तो ये ध्यान रखना है कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर हो। तो ये क्या है, हेनरी फ्योल के वर्ड्स हैं, इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज, दे हैव डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, जिसकी हेल्प से आपको उनको कैटेगराइज करके उनको वर्क देना है। तो ये उनका पहला प्रिंसिपल था। इसके बाद क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्डर भी उनको सही से मिले, गेट थिंग्स डन, एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैज अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू एम्प्लॉइज,
अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ आनी चाहिए। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो उसको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। तो इसी को क्या किया गया है, आगे वर्ड्स में लिख दिया गया है। डिसिप्लिन का मतलब खुद से डिसिप्लिन होना चाहिए, जो पर्सनल डिसिप्लिन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है उसको प्रमोट करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक कमांड जो आपको मिल गई उसी ऑर्डर फॉलो करना है सभी को। इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वर्क करना है, इसको मैंने विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसी को क्या किया गया है, यहाँ वर्ड्स में डाल दिया गया है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसी को रीड करूं, देयर आर ऑलवेज ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वेल। हेनरी फेवल्स इंडिकेटेड दैट पर्सनल इंटरेस्ट आर सबॉर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सबॉर्डिनेट है ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, ये एथिक्स से आता है। द प्राइमरी फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द इंडिविजुअल, दिस अप्लाइज टू ऑल लेवल्स ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द मैनेजर्स। सभी के साथ इसको क्या करना है, अप्लाई करवाना है। तो ये आपको, इसके लिए आपको, आप केवल इसके लिए ट्रेनिंग दे सकते हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा रिम्यूनरेशन, तो लोगों को आप मोटिवेट करिए, मोटिवेशन प्रोवाइड करिए प्रोडक्टिविटी करने के लिए। रिम्यूनरेशन शुड बी सफिशियंट, इसका मतलब रिम्यूनरेशन जो भी उसका पैसा मिल रहा है, जो भी उसको बेनिफिट मिल रही है, वो क्या होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए। तो चला कोई दिन भर वर्क कर रहा है, उसको लास्ट में हाफ डे की सैलरी मिल रही है, तो इससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होता जाएगा। इसका मतलब रिम्यूनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, शुड बी सफिशियंट, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया, शुड बी सफिशियंट। और ये दो तरह के रिम्यूनरेशन है, एक मॉनिटरी मतलब मनी के फॉर्म में, और दूसरा क्या है, नॉन मॉनेटरी में क्या हो जाएगा, कंपनसेशन है, बोनस है, फाइनेंशियल कंपनसेशन है, जैसे किसी को रूम दे दिया, किसी को रहने खाने की फैसिलिटीज दे दी। तो वही चीजें हैं जो हमने वहां पे डिस्कस कर ली। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग की पावर तो रहती ही है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, सारी डिसीजन मेकिंग उनके पास चली जाएगी, टॉप मैनेजमेंट के पास, और प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसलिए शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। क्या करना है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज, ये वर्ड्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जब आप हेनरी फेवल की लैंग्वेज में लिखेंगे तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रलाइजेशन में आपको मैनेजमेंट के पास चला जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज करना है फॉर द डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होगा, लोअर लेवल पे लोग डिसीजन कर पाएंगे और सारी की सारी प्रॉब्लम टॉप लेवल पे नहीं जाएगी। तो यही चीज हमने क्या किया, अभी पीछे डिस्कस कर लिया। स्केलर चेन का मतलब हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिसीजन आता है, उसकी प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, प्रॉपर ट्री होना चाहिए। मैंने उसको क्या कह दिया था, ट्री कह दिया था, कि एक के बाद एक ये प्रॉपर इसकी हायरार्की होनी चाहिए, अलग अलग लेवल होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, कंसर्न जो है वो सारे रिपोर्ट होंगे किसको, इमीडिएट मैनेजर्स को, और जो सुपीरियर्स होंगे उनके पास जाएगा, तो वो लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। तो स्केलर चेन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो। ऑर्डर का मतलब सारी चीजें एक के बाद एक ऑर्डर में, जो भी आपका डिस्प्यूट होता है, जो भी चीजें होती है, उसका जो डिस्पोजल होना है
वो उसी सीक्वेंस में हो जाए। इक्विटी मतलब सारे लोगों को बराबर बराबर रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ टेनओवर ऑफ पर्सनल इसका मतलब लोग जो ज्वाइन करें, एम्प्लॉयज को रखना है इसका मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब इस साल जो एम्प्लॉय काम कर रहा है अगले साल जो एम्प्लॉय काम करेगा वो ज्यादा से ज्यादा सेम वर्कर होना चाहिए। राइट स्टाफ इन राइट प्लेस होगा, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको आपको रिमूव नहीं करना है, कम से कम रिमूवल करना है। 13 प्रिंसिपल हर एक लेवल पे इनिशिएटिव होना चाहिए। तो ये आपको सारे लगभग नेम से ही क्लियर हो जाएंगे, आपको केवल ये 14 की लिस्ट बना के आपको इसको रिमेम्बर कर लेना है। एक लास्ट आपको ये लगता है, ये थोड़ा सा फ्रेंच जैसा वर्ड आता है, स्प्रिट डे कॉर्प्स। इसका मतलब होता है स्पिरिट से आप स्पिरिट जैसा कुछ ले लीजिए, खुद में स्पिरिट डेवलप करनी है। इसमें इसकी स्पिरिट क्यों करनी है, इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला 14th है इसमें हमें क्या करना है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यूनिटी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए उनको प्रमोट करना है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल इन द वर्क प्लेस। इसका मतलब मोरल वैल्यूज जो बनेगी उसके लिए किसको डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैनेजर्स को इंडिविजुअली एंड द एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन। जहां जहां पे भी वो बात करते हैं हर जगह पे क्या होना चाहिए, ऐसा कल्चर डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए कि लोगों की खुद की मोरल वैल्यूज हो और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक तरह से क्या हो गया, ये सारे की सारी मोरल वैल्यूज से रिलेटेड हैं, इनको डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो, आप केवल ट्रेन कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो।